नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। भारत ने रोहिंग्या शरणार्थियों को आसरा देने के लिए हाल ही में म्यांमार को घर सौंपे हैं, जिसके बाद म्यांमार द्वारा अपने विदेश सचिव को बांग्लादेश भेजने की संभावना है। बता दें कि म्यांमार में सामाजिक, धार्मिक और जातीय उत्पीड़न के चलते रोहिंग्या परिवारों ने देश को छोड़कर बांग्लादेश को अपना ठिकाना बनाया था। सूत्रों के मुताबिक म्यांमार के विदेश सचिव की यात्रा इस महीने के अंत में हो सकती है। इसमें रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षा चिंताओं पर बात की जाएगी। भारत का मानना है कि यह यात्रा एक ऐसा माहौल तैयार करेगी जिससे रोहिंग्या परिवार को अपने देश लौटने और बसने का विश्वास बहाल होगा। बता दें कि म्यांमार में भारतीय राजदूत सौरभ कुमार ने 9 जुलाई को शरणार्थियों के लिए बनाए गए 250 पूर्ण निर्मित घर म्यांमार को सौंपे थे। यह प्रोजेक्ट भारत और म्यांमार सरकार द्वारा 2017 में साइन किए गए एग्रीमेंट का हिस्सा था। इसके तहत सरकार को 5 सालों में 25 मिलियन खर्च करना पड़ा था। बता दें कि इन क्षेत्रों में हिंसा के सबसे खराब मामले देखे गए हैं, जिनमें सामूहिक हत्या, महिलाओं और बच्चों के साथ सामूहिक बलात्कार और हजारों घरों को जला दिया गया था। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं साउथ केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। साउथ केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।